सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम लोग खेल रहे हैं पबजी मोबाइल और हम उतर चुके थे नोवो। अभी नोवो में उतरते वक्त मैंने दो तीन बंदे देखे थे, इसलिए मैं इस साइड में उतर जाता हूँ जहाँ पर मेरा टीममेट मार्क करता है। अभी मेरा ऐसा प्लान था कि उतरने के बाद मुझे जो भी गन मिलेगी उससे मैं सीधा रश कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं मिलता है। पबजी का जब अपडेट आया था तभी उन लोगों ने जॉर्जी पुल और नोवो की लूट थोड़ी सी कम कर दी थी, इसलिए मैं कभी नोवो में आता नहीं हूँ। मगर इस बार मैं आ गया, लेकिन यहाँ पर कुछ भी लूट नहीं मिलते। तभी मैं राइट वाले वेयर हाउस में लूटने चला जाता हूँ। इसी कंटेनर पर मुझे मिनी मिल गए थे, लेकिन मिनी एक लॉन्ग रेंज गन है और मुझे चाहिए थे एक शॉर्ट रेंज गन, इसलिए मैं इस वेयर हाउस में लूटने आ जाता हूँ। लेकिन यहाँ पर भी मुझे कुछ नहीं मिलती है, बस पिस्टल वगैरह मिलती है। अभी यहाँ पर मेरे को एक भी गन नहीं मिली थी, तो मैं सामने वाले घरों में लूटने के लिए जाने ही वाला था। तभी राइट साइड से डीपी का फायर आता है, इसलिए मैं देखने चला जाता हूँ क्योंकि मिनी एक लॉन्ग रेंज गन है तो मैं यहाँ से उसको मार दूंगा, इसलिए मैं यहाँ से देख रहा था। लेकिन फायर एक्चुअली यहाँ से नहीं आ रहा था, फायर आ रहा था लास्ट के कंटेनर के साइड से, इसलिए मैं यहाँ पर लूटने लग जाता हूँ। यहाँ पर भी मुझे गन नहीं मिलती, मेरे टीममेट को गन मिल गई थी। अभी यहाँ पर गन के तलाश में था, यहाँ पर मुझे लेवल 2 की बैग SKS विद एटेक्स ये सब मिल रहा था, लेकिन एक ऑटो गन नहीं मिल रही थी। लेकिन तभी मुझे M4 मिल जाती है। अभी जैसे ही मुझे M4 मिली मैंने सीधा रश कर दिया। तो अभी मैं इस वेयर हाउस से थर्ड कंटेनर के साइड में जा ही रहा था, तभी मुझे फुटप्रिंट आते हैं और मैं अकेला था इसलिए मैं घबरा गया, यहाँ पर मैं छुप गया। मैं मेरे टीममेट को बोला कि यहाँ पर आ जा, मेरे इधर फुटप्रिंट आ रहे हैं। तो अभी वो लोग थे इस वेयर हाउस के लेफ्ट साइड में, इसलिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं TPP लेकर इस कंटेनर के पीछे आ जाता हूँ। और यहाँ पर आने के बाद मुझे तभी बंदा स्पॉट होता है। अभी जैसे ही मेरे टीममेट ने एक नॉक निकाला मैं सीधा घुस गया, लेकिन दूसरे को भी वही मार देता है। शायद से उसको वहां से एंगल मिल गया होगा, लेकिन उसने मेरा किल चोरा यहाँ पर। लेकिन ये सब साइड में यहाँ पर मुझे फ्लेयर मिल जाते हैं और इसी के साथ नोवो भी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो हिट लाइक और सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना। तो अभी मैंने नोवो में ही फ्लेयर उड़ा दी थी, मतलब ये नोवो का थोड़ा सा साइड वाला एरिया है। तो अभी हमारा फ्लेयर ड्रॉप आ गया था, मेरे टीममेट को बस हेलमेट और वेस्ट चाहिए थी। मेरे को सब गन चाहिए थे इसलिए मैंने उसको पहला लूटने के लिए दे दिया था। फिर बाद में मुझे पता चलता है ड्रॉप में ग्रोजानी ऑग होती है, ऑग और MK। मैं ऑग उठा लेता हूँ क्योंकि M4 से ज़्यादा मेरे को ऑग अच्छी लगती है, और 7K गन में बैरल से अच्छी मुझे ग्रोजा लगती है क्योंकि मुझे AWM और Kar98 ये सब चलाना नहीं आता है। मेरे को स्नाइपिंग इतनी जमती नहीं है, लेकिन ये सब साइड में जोन होने वाला था ब्रिज के उस साइड में, इसलिए हम लोग को ब्रिज क्रॉस करने का था। लेकिन मेरे को पता था कि ब्रिज कैंप हुआ होगा क्योंकि यहाँ पर फ्लेयर उड़ रही थी, मतलब ब्रिज तो कैंप करेंगे, इसलिए हम लोग पानी से जाना डिसाइड करते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से जा ही रहे थे तभी मुझे बंदा स्पॉट होता है और ये किल मेरा टीममेट नहीं लेता है। उसने मेरे 2 किल चोरे थे और मैंने उसको बोला था कि मेरे को भी 2 किल अभी चाहिए तेरे से, और यहाँ पर हमारे दोनों की भी किल 2-2 हो चुके थे। इसको लूटने के बाद हम दोनों भी पानी से ब्रिज क्रॉस करते हैं। अभी जैसा कि मैंने बोला था वैसा ही हुआ, ब्रिज ब्लॉक हुआ था इसलिए हम लोग पानी से ही जाते हैं। अभी मैं ऐसे पानी से तैरते तैरते जा ही रहा था तभी मैप में मेरी नज़र जाती है और मैप में मेरे को फुटप्रिंट दिखता है। तो मैं बोला पानी में कौन है जो तैर रहा है मेरे साथ भी, इसलिए मैं पीछे देखता हूँ। तभी मेरे को बॉट दिखता है जो मेरे साथ कब का तैर रहा था, और मैं ये चीज़ मार्क करके मेरे टीममेट को बता देता हूँ। अभी मैं जैसे ही जमीन पर पहुंच जाता हूँ वैसे ही मैं उस बॉट को ढूंढने लग जाता हूँ। अभी जैसे ही मैं इस माउंटेन पर आता हूँ तभी वो पानी में स्पॉट होता है। अभी इसको मारने के बाद जो ब्रिज ब्लॉक करने वाले बंदे होते हैं मैं उन लोग को देखने चला जाता हूँ। अभी जैसे ही मैं ब्रिज पे आता हूँ वैसे ही मुझे कोई नहीं दिखता है, बस पेटी और ये सब ही दिखता है, मतलब बंदे यहाँ से मार के चले जाते हैं। फिर हम लोग भी यहाँ पर रुक के क्या ही करे, इसलिए हम लोग गाड़ी लेकर सीधा जोन में जाते हैं। अभी जैसे जैसे जोन छोटा हो रहा था वैसे वैसे बंदे भी गायब हो रहे थे, इसलिए हम लोग ढूंढ रहे थे। तभी लेफ्ट घर से फुटप्रिंट आता है और हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं। फिर देखो कैसे भरते हैं नेट से। वो जो घर में बंदा था वो सोलो था और हमारी गाड़ी की आवाज़ सुन के वो थोड़ा सा घबरा गया था, इसलिए वो उसी पोजीशन में बैठ जाता है। और फिर मैं यहाँ से देख रहा था कि TPP लेकर मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी मैं नेट की पिन खींचता हूँ और मुझे पता था कि कौन सी खिड़की में मुझे नेट डालना है, कहाँ से मुझे एंगल मिलेगा। अगर मैं भी होता तो मैं भी उसी जगह पर बैठता था। तो यहाँ पर मैं नेट की पिन खींचता हूँ, मेरे टीममेट ने उसकी गाड़ी पर नेट डाला लेकिन मैंने सीधा खिड़की से उसके घर पर नेट डाला और बूम हो जाता है। इसी के साथ मेरे 4 किल हो गए थे और बचे थे सिर्फ 6 बंदे, जिसमें से 2 हम थे, मतलब बचे थे सिर्फ 4 ही बंदे। क्या आपको लगता है चिकन डिनर मिल पाएगा? और हाँ, अभी तक आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर देना इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। अभी हम लोग गाड़ी में बैठ के सीधा जोन के सेंटर में जाते हैं। तो अभी यहाँ पर हमारे गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है और जोन हो गया था पोचिंगी के साइड में। तो यहाँ पर हम लोग रुके थे फ्यूल के तलाश में और वो राइट वाले झोपड़े में मुझे फ्यूल मिल भी जाता है। यहाँ से मैं फ्यूल उठा भी लेता हूँ और जाकर वो डासिया में डालने जा ही रहा था, तभी मेरा टीममेट M2
Q4 चलाता है और मुझे पता चलता है कि यहाँ पर एक गाड़ी दिखी है मुझे, मेरे को तो पहला स्पॉट नहीं होता है, फिर बाद में मुझे वो गाड़ी स्पॉट होती है। मैंने उसको नहीं लेकिन उसकी गाड़ी को बहुत सारा डैमेज दे दिया था, मुझे लगा वो वहाँ पर ही रुक जाएगा, मुझे लगा वो वहाँ पर नहीं रुका तो वो सामने वाले छोटे से घर में रुकेगा, इसलिए मैं यहाँ पर पेड़ के पीछे टीपी लेने आ जाता हूँ, लेकिन तभी वो सीधा हम पे रश करने आ जाता है। फिर देखो कैसे भरते, और यहाँ पर मेरा ऑग रिलोड करने में ही टाइम चला गया, मेरे टीममेट ने उसको इजीली मार दिया, लेकिन बचते सिर्फ अभी तीन ही बंदे। अभी जोन पोचिंग के ओपन स्पेस में बन गया था इसलिए मैं यहाँ पर लेट के देख रहा था कि कहाँ पर कोई है क्या, लेकिन तभी ड्रॉप की इधर एक बंदा स्पॉट होता है। वो बंदा इतने गोली में नॉक होना चाहिए था लेकिन कैसे नहीं हुआ वो मुझे अभी तक नहीं पता चला। फिर मेरे वापिस से उसको दो बुलेट कनेक्ट हो गए, मैंने यहाँ पर ही फायरिंग रोक दी थी क्योंकि मेरे ऑग में इतने बुलेट्स नहीं थे, तभी उसने स्मोक किया इसलिए मैंने स्मोक में रैंडम फायर दिया, और अभी यहाँ पर मेरे ऑग में बहुत ही कम बुलेट थी, मतलब एक ही रिलोड जितने बुलेट थे और बाकी थे 5 बुलेट। दूसरी गन मेरे पास उजी थी जो कि एक शॉर्ट रेंज गन है, मतलब लॉन्ग रेंज में उसकी बुलेट जाती ही नहीं, इसलिए मैंने मार्क करके मेरे टीममेट को बता दिया। तो अभी मैं यहाँ से रेंग रेंग कर मेरे टीममेट के पास जा रहा था एमोज लेने के लिए, लेकिन तभी मेरा टीममेट एक जन को नॉक कर देता है, और जैसे ही वो एक को नॉक करता है वैसे ही वो उसको फिनिश्ड भी कर देता है। अभी उसने फिनिश करने के बाद मैंने उस बंदे पे फायर किया और तभी लास्ट का बंदा मेरा टीममेट किल कर देता और हो जाता है चिकन डिनर। सो यही था गेम प्ले वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हिट लाइक और सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।